लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो बच्चे नमस्ते सर। बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इस खुशी के मौके पर मेम साहब होते तो और अच्छा होता। मेम साहब के भी एग्जाम चल रहे हैं, इसीलिए नहीं आ सके। अगले साल जरूर आएंगे। आता हूँ सर। आगे आइए। बेटे के जन्मदिन पर इतना खर्चा किया है भाई साहब ने, शादी में कितना खर्चा करेंगे पता नहीं। बहुत धूमधाम से करेंगे। अभी कितना खर्च हुआ जानते हो केशव? मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ चाहता हूँ। उसके खातिर मैं कितना भी खर्च कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इस साल मेम साहब की शादी हो और आपका दामाद श्री रामचंद्र जैसा हो, उस साहब के हाथों ही हम तोहफा लेना चाहते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद साथ रहा तो मेरी बेटी को जरूर वैसा ही पति मिलेगा। चलता हूँ सर। सर, आपसे मिलने मुन्ना भाई आए। मुन्ना भाई, वो यहाँ क्यों आया है? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, उसका हमसे क्या काम? भाई नमस्ते साईं कृष्णा जी। आप यहाँ कैसे? जरूरत पड़ने पर कहीं भी आना पड़ता है साहब। भगवान की दया से मुझे एमएलए की टिकट मिल गई है। ओ, वोट मांगने आए हो? वोट का क्या है साहब, वो तो हम अपने आप डाल देंगे। वैसे भी एमएलए बनने के बाद मिनिस्टर भी बन जाऊंगा, उस स्टेटस को और थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी बेटी मलेशिया में, अरे क्या है रे, वो एमबीए कर रही है। हाँ, एमबीए पढ़ रही है ना। मेरा बेटा भी वही है, सिर्फ वो एम नहीं है, बीए पढ़ा है। दोनों की शादी कर देंगे तो लेवल ठीक रहेगा। मुन्ना भाई, एक बात सुन लो, तुम मेरे पास पार्टी का चंदा मांगने के लिए और वोट मांगने के लिए आओ, यही बात है तुम्हारे लिए? संबंध बनाने की औकात नहीं है तुम्हारी। मेरे बेटे में कमी क्या है? कोई कमी नहीं है, कहीं भी देखो उसी का नाम शराबी, सड़कों पर गुंडागर्दी, रेप्स, मर्डर, यही करता है ना वो। अरे आप तो सब कुछ जानते हैं साहब। मेरा दामाद कोई भी हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं। कोई भी चलेगा क्या? तुम उससे शादी कर दो ना। यू तेरी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी जरूरत तुझे जरूर पड़ेगी। अधिकार पार्टी में हूँ मैं, ये याद रखना। भौंकने वाले कुत्ते कांपते नहीं, जाओ यहाँ से। तेरे कर्णों को तुझे जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए भैया। उसकी बात का आप इतना टेंशन मत लीजिए। वो बात नहीं है राम,
ऐसे पागलों को मौका नहीं देना चाहिए। मैं अभी जाकर एक अच्छा सा रिश्ता पक्का करके आता हूँ। सर मैं भी आपके साथ आता हूँ। नहीं केशव, मैं अकेले जाकर शादी की बात करके आता हूँ। लॉर्ड विश्वनाथ जी, मैं साई कृष्णा बात कर रहा हूँ। नमस्ते, मैं देवनगरी आ रहा हूँ, शाम तक आपके पास पहुँच जाऊंगा। तब तक तो वो चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, रोकिए रोकिए, मैं आकर रिश्ते की बात करके शादी पक्की करना चाहता हूँ। हेलो डैडी। तैयार हो ना? हाँ रेडी हो। वो देवनगरी आ रहा है, निशाना चुके नहीं। ओके डैडी। शिट, बच गया। फ्रेंड की शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यही बात जानने के लिए मेरी फ्रेंड मलेशिया से आपके पास आई है। ये लीजिए इसकी कुंडली। स्वामी, अब मैं क्या करूं स्वामी जी? उस दोष को मिटाना हो तो एक उच्च कुंडली वाला तुम्हारी जिंदगी में आना चाहिए। कैसी कुंडली वाला स्वामी? सिंह लग्न का सह्याद्री बनकर, लग्न पक्ष में मार्तंड शब्द भेद बनकर, सप्तम स्थान में मंगेश्वर उच्च राशि बनकर, देवगुरु बृहस्पति असुर गुरु शुक्राचार्य दोनों मिलकर परस्पर शुभ दृष्टि में होने चाहिए। उन्हें मैं पहचानूंगी कैसे स्वामी जी? कहा ना बेटी, वो एक असाधारण व्यक्ति, उसकी चाल में भय नहीं रहेगा, उसके चेहरे में घबराहट नहीं रहेगी, सामने मृत्यु होने पर भी कदम पीछे नहीं हटाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो दुनिया में किसी से नहीं डरेगा।
कहाँ मिलेंगे बताएंगे स्वामी जी? वो जहाँ भी मिलेगा सिर्फ तुम्हारा रहेगा, याद रखना। ऑक्शन हुई थी, इसे मेरे डैड ने खरीदा था और मैं चुरा कर ले आई। दिस इज माई न्यू ईयर गिफ्ट। है कोई हिम्मत वाला जो इसे पाना चाहेगा? नो, नॉट सो इजी। वहाँ उस तरफ देख रहे हो ना, उस रेलिंग पे खड़े होकर मेरी तरफ फेस करके पूरी बोतल एक साथ अगर कोई खत्म कर सकता है वो इसे लेने आ जाए। ये बॉटल उसकी होगी। ए, what's this? किसी में हिम्मत नहीं है क्या? ओके, ऐसा करने वाला आज रात। गिर जाती तो ऊपर चला जाता। जिंदगी से प्यार करने वाला मौत से डरता है, मौत से नहीं डरने वाला जिंदगी से डरता है। हिंदुस्तानी जान हथेली पे जो रखता मौत से बहुत नहीं है डरता, दिल का राजा है जीता वो शान से। ये है एक खिलाड़ी आज का हिंदुस्तानी। जय बोलो बोलो कृष्णा आओ बजाए प्रेम की मुरली। जय बोलो बोलो कृष्णा जय हो राधा कृष्ण की जोड़ी। जय बोलो बोलो कृष्णा आओ बजाए प्रेम की मुरली। जय बोलो बोलो कृष्णा जय हो राधा कृष्ण की जोड़ी। Come on, come on, come on, come on, come on.
नियमों से बस खेले जा अंजाम से ना डर अब तू जीना है इस दुनिया में तो मौत से लड़ जा तू गम है जो दिल में बस उनको भुला दे अब तू यारा ओ मेरे अब हंस के जी ले तू जय बोलो बोलो कृष्णा आओ बजाए प्रेम की मुरली जय बोलो बोलो कृष्णा जय हो राधा कृष्ण की जोड़ी जय बोलो बोलो कृष्णा आओ बजाए प्रेम की मुरली जय बोलो बोलो कृष्णा जय हो राधा कृष्ण की जोड़ी हुए तारे को देखकर जो मांगेंगे वो मिलेगा लोग ऐसा कहते हैं अगर यही सच है तो अंधेरे में खोई हुई मेरी जिंदगी में मेरा साथ निभाने के लिए कौन आएगा कब आएगा जल्दी जाकर नहा ले यार लगता है हफ्ते में एक बार ही नहाती है गणेश जी कृष्ण भगवान कामाक्षी देवी बाला जी लक्ष्मी जी सरस्वती जी आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए अगर मैं फर्स्ट क्लास पास हो गई ना तो नारियल चढ़ाऊंगी प्रसाद चढ़ाऊंगी ठीक है ना भगवान 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 सुन लीजिए ये नलिनी अब बस कर यार वो वार्डन ने हमें दो दिन से देखा नहीं है कहाँ गए थे पूछेगी तो क्या बताएंगे उसे वो बहुत स्ट्रिक्ट है कोई आइडिया हो तो बताना यार इसके लिए इतना टेंशन क्यों यार मैं बताती हूँ एक आइडिया ऑलरेडी 9 o'clock व्हाट आर यू डूइंग हियर गेट रेडी गो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गो एंड गेट रेडी ओके गो गो दिस इज माय मदरलैंड व्हिच वाज मोस्ट प्रॉस्पेरस फॉर इज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ इट्स रिचेस एंड फेसिंग ग्रेव डेंजर इमर्स्ड इन पॉवर्टी पीपल आर सफरिंग विद हंगर People are rendered homeless. People are confronting health hazards. उन सबको मुट्ठी भर खाना खिलाने के लिए हमारी संस्था कोशिश कर रही है देश कोई भी हो इंसान की भूख एक ही है भाषा जो भी हो दर्द एक ही है आप अपना समझकर आर्थिक मदद करेंगे तो बहुत से लोगों की भूख मिटाने वाले बनेंगे उन परेशान लोगों की बिगड़ी हुई तकदीर बदलकर उनके लिए भगवान बन जाएंगे This is for you. Thank you. Welcome.
This is a small donation for your organization. Oh, thank you. Thank you very much. Really great, young man. आप physically unfit होने के बावजूद इतने लोगों की मदद कर रहे हैं. It's really great. Thanks, ma'am. Thanks a lot. Thanks, Indu. मुझे? हाँ. मैं यहाँ अजनबी हूँ. तुमने इन सबको यहाँ बुलाकर डोनेशन दिलवाया. तुम्हारी सेवा के आगे मेरा कुछ भी नहीं मधु. बहुत से अनाथ बच्चों की खुशी का तुम कारण बनी हो, पता है? तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना. थैंक्स. Hey, come on, give me the money. What are you waiting for? Come on, go. Come on. Down, down. Come on, put the money in the bag. Bus. देखना, हम सबको ये लोग लेटने के लिए कह रहे हैं. तुझे और मुझे कुछ होगा नहीं ना? टेंशन दिए बगैर जरा चुप रह तू. सेफ्टी के लिए मैं ये बिल्ला छुपा लेती हूँ. भगवान 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 भगवान, हमारी रक्षा कीजिए भगवान. हेलो सर, डाउन सर, दे विल शूट यू. डाउन डाउन. अरे देख कैसे जा रहा है, मार डालेंगे. जाने देना यार, हीरो इसी को कहते हैं. शेर की तरह जा रहा है, हम सबको बचा ले गए. Hey man, you, stop, stop. Hey, down on the floor. Hey, are you mad? Hey, listen to me. Hey, what I tell you? Hey, I'll kill you. अब निकालेगा पीछे से. देखना उनसे भी बड़ी वाली गन होगी. I'll shoot you. Don't say. If you want to shoot, shoot. I'll shoot you. ये क्या बात हुई यार? हमें लगा ये इनको खत्म करने आया, ये तो खुद को खत्म करने को कह रहा है. ए स्टॉप. एक चांस दिया तुमने, मिस हो गया, दूसरा चांस नहीं मिलेगा. You get up, get up. Great sir, you're great. It's sir. Okay. Thanks. Take your glass sir. Thank you. Sir, मैं भी इंडियन हूँ sir. Sir, एक second sir. Sir, please. Sir. आप लोग जाइए. Sir, workout नहीं हुआ. पॉकेट में हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा और उसमें से हमें इसकी डिटेल मिल जाएगी. तुम इसे सीधा करो, मैं लाइसेंस ढूंढूंगी. ये मर्द है यार, टच करने में डर लग रहा है मुझे. थोड़ा तो टच कर ही सकती हूँ ना यार, लाइसेंस ढूंढना है. तुम इसे जल्दी से सीधा करो, मैं देखती हूँ. जल्दी करना यार.
सर, अरे उठाना इसे। ए, चल भी यार, चल चल। बताई हुई कुंडली यही है। ये लोग कौन से पोजीशन में होंगे पता नहीं। इंदु, नलिनी। यस मैडम। यस मैम। तुम्हारा कुरियर। थैंक यू मैडम। ऐसे क्यों देख रही थी? हाँ, तुम पढ़ो। ओके। स्वामी जी की बताई हुई कुंडली आदित्य की है। तेरे पापा को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार सोच ले यार। जरूरी है यार, पापा को बताए बिना ये शादी हो जानी चाहिए। केशव सर, आई एम वेरी मच डिस्टर्ब। क्या हुआ सर? इंदु, इंदु क्या कर रही है मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। एक हफ्ते से फोन कर रहा हूँ, रिसीव नहीं कर रही है। मेल करने के बाद उसका रिस्पांस नहीं है। व्हाट हैपेंड विद हर? मैम साहब बच्ची थोड़ी है, स्पेशल क्लास की पढ़ाई में बिजी होंगी सर, और वैसे भी एग्जाम नजदीक है। नो नो नो, आई डोंट वांट ऑल दिस थिंग्स। जल्दी से इंदु को यहाँ लेकर आने की तैयारी करो। ठीक है सर। आपकी जीजा जी वैसे भी मलेशिया में है, उन्हें जाकर मिलने के लिए कहूंगा। सिर्फ मिलना ही नहीं, उनको जल्दी से इंदु को साथ लेकर इंडिया आने के लिए कहो। हाँ। हेलो जेबी जैन। ए, मारना चाहती हो क्या? पागल हो गई हो क्या तुम? वो आपने प्यार के बारे में क्या सोचा है? मेरे साथ लाइफ ऐसी रहेगी, इसके बावजूद तुम मुझसे प्यार करोगी? शादी करना चाहती हूँ। चले जाइए मेरे वहां से, आपको क्या? बदतमीज इंसान।
होता तो आपको पता चलता प्यार क्या होता है। आपसे प्यार करने वाले आपसे दूर होते तो ही आपको पता चलता कि दिल क्या होता है। आपको मैंने चाहा इसलिए मैं खुद ही मरूंगी, चाहिए आप। कब करना चाहती हो शादी? पसंद हो ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ओह गॉड, सचमुच शादी करेंगे ना मुझसे? जाकर तैयारी करो। ओके हेलो अंकल, अंकल आपने जैसा कहा वैसा ही किया, शादी के लिए मान गए हैं वो। वेरी गुड, तेरा प्यार सच्चा है बेटी, तुम दोनों सदा खुश रहो, यही आशीर्वाद है। थैंक यू अंकल।
इन बाहों में जन्नत है मेरी, है तेरी चाहत में नशा, है तू ही तो महबूबा मेरी, है तू ही मेरा आशिया. Kiss me baby, kiss me baby, shake me baby, oh. Kiss me baby, kiss me baby, shake me baby, oh. Priya meri, तू है मेरी आरज़ू. प्रिया मेरी तू है मेरी जुस्तजू. हम धूमधाम से अपनी शादी मनाएंगे ओके. मेरी फ्रेंड नलिनी है ना, बड़ी इडियट लड़की है, उसके साथ समय का पता ही नहीं चलता. मेरी और क्लोज फ्रेंड भी है, उसका नाम सिंड्रेला है. हाँ मेरे बेटे, कहो. डैडी, जिस इंदु को मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था वो आज मुझे अचानक दिख गई. फिर तूने क्या किया? वो यहाँ किसी और के साथ घूम रही है. ऐसा क्या? उन दोनों की शादी करवा दो तुम बेटा. ओके. फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर हम दोनों जाएंगे और उनके जूते साफ करेंगे. ऐसे ही होगा डैडी. चिप कदे की औलाद, उसे प्यार से पटाओ, ना माने तो रेप करो. ओके. बाकी मैं देख लूंगा, समझे? ओके डैडी. Thank you.
समझ गया ना? This is Indian. मुरत का सामान है। ये लो, जाओ। तुम्हारे सौभाग्य में एक मुश्किल है बेटी, तुमसे शादी करने वाला अवश्य ही मर जाएगा। उस दोष को मिटाना हो तो सिंह लग्न का सह्याद्री बनकर, लग्न पक्ष में मार्तंड शब्द भेद बनकर, सप्तम स्थान में मंगेश्वर उच्च राशि बनकर, देवगुरु बृहस्पति असुर गुरु शुक्राचार्य दोनों मिलकर परस्पर शुभ दृष्टि में होने चाहिए। कहा ना बेटी, वो एक असाधारण व्यक्ति है, उसी से तुम्हारी शादी होगी। वो लड़का तुमसे शादी करके एक महीने में निश्चित ही मरेगा, उसके बाद तुमसे शादी करने वाला पूरे 100 साल तक जिएगा। अगर कहीं वो मेरा कथन गलत नहीं होता, वो तुमसे शादी करके एक महीने में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। जल्दी फोन करना पड़ेगा। बाप रे, शादी भी हो गई, आज या कल इंदु को भेज डालेगा, तुरंत इसके बाप को बताना होगा। हेलो भैया, मैं आपको तुरंत एक काम करना पड़ेगा। क्या? 5 करोड़ दुबई वाले को, 3 करोड़ हांगकांग वाले को, 2 करोड़ मुंबई वाले को अपने आदमी से जल्दी भिजवा दो। किस लिए? अरे कोई दूसरा खरीद ले, उससे पहले हम खरीद लेंगे। किसको खरीदना है? इंदु को। पागल हो गए हो तुम, हमारी लड़की को हम ही खरीदे क्या? वो बेच डालेगा ना। कौन है वो? अरे वही भैया जिससे इंदु ने शादी की, उसका पति। उसका पति? शादी कब हुई? अभी हुई भैया, वो बहुत चालू है, लड़कियों को बेचता है, 1 घंटे में बेच डालेगा वो। कुछ भी करके दूसरे को चांस नहीं देना चाहिए, कितना भी खर्च हो अपने लड़की को हमें बचाना होगा। ओके भैया। चुप रहो तुम, फालतू की बकवास कर रहे हो, वहाँ रहकर क्या कर रहे हो तुम? जे भी जैन को इतना कम मर्द समझो भैया, उससे सीरियसली बात करके 10% डिस्काउंट के लिए मना लूंगा। तुम मेरी बहन के पति नहीं होते तो चप्पल से मारता तुमको, जल्दी से लड़की को लेकर आ जाओ। भैया मुझे इतना नीचे मत गिराओ, मैं पार्टी से मिलकर बस भी करो, असली बात आपको पता नहीं। मेरी कुंडली में दोष होने की वजह से ये शादी करना जरूरी था मामा जी, मैं शादी करना चाहती हूँ मधु से। भाई होते हुए भी बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा है, इसके साथ की मुझे पसंद है। अचानक अपनी कुंडली दिखाने पर मुझे पता चला कि मुझसे शादी करने वाले 1 महीने के अंदर मर जाएगा। मधु को कुछ ना हो इसलिए मैंने ये फैसला लिया है मामा जी। मामा जी अब आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया है। हाँ तुमने गलती की है। मधु प्लीज। खुशी से जिए इसकी खातिर, दूसरे की मौत चाहना गलत है। तुम्हारा पति बनकर मौत आती है तो फिर 30 दिन तो क्या, मैं 30 सेकंड में भी मरने के लिए तैयार हूं। इंदु मुझसे छुपाकर तुमने गलती की। इंदु ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मामा जी, मैंने जो कुछ किया इसी के लिए तो किया है। यू आर राइट, मैं बात करूंगा। देखो मधु, बिना बताए करना गलत है, जो हुआ उसे भूल जा और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो,
ऐसी बात नहीं। प्लीज तुम और कुछ मत कहो, मेरा नाम जे बी जैन है, प्यार के खातिर पैदा हुआ, प्यार के खातिर मरूंगा, हम उसे बताए बिना इंडिया चले जाएंगे। फिर उसका क्या? 30 दिन में मर जाएगा, ये कुंडली में लिखा है ना। इंडिया आ गया तो? तो तुझे अभी डाउट है, कुंडली को इंडिया नहीं बदल सकती। अगर वो इंडिया आ गया तो 30 दिन के अंदर संभल कर। Are you comfortable? Thank you. Yeah. Excuse me. Yes. Super. You are most sexiest girl. Oh, I'm sorry. What do you want, sir? Milk. Thank you. Excuse me. लीजिए ना। Excuse me, sir. Yes. This seat is reserved for somebody else. This seat? Yeah. Yeah, we are together. No problem. We'll adjust. Okay. वो लड़की पागल है, भला हम दोनों के बीच कौन आ सकता है? ये यहाँ क्यों आया? कहीं अपनी इंदु को एरोप्लेन में ही ना बेचते। Excuse me. Yes. I am her husband. She is my wife. Can you have that seat, please? Actually, मैं तुम्हारा दिल साफ है, मुझे पता है इंदु। घर में बताया बिना शादी की है। उन्हें पहले समझा कर बाद में तुम मुझे ले जाना चाहती थी। सच कहना। और वैसे भी तुम्हारे पापा को नापसंद करने के चांस नहीं है। मुझ में क्या कमी है? हाथ नहीं है या पैर नहीं है? वहां जाने के बाद इसका बाप कुछ ना कुछ निकाल देगा। अरे वाह, बड़े प्यारे लग रहे हो। कौन है? बताओ बेटी। मेरे मामा जी। तुम्हारे मामा जी हैं तो मेरे चाचा हुए। क्या नाम है? जे बी जैन। हाइट कम जनार्दन। बहुत अच्छा नाम है। ये कौन है? वो ये माय फ्रेंड मधु। नाइस टू मीट यू। एक्सक्यूज मी, आई विल जस्ट कम बैक। नो प्रॉब्लम, टेक योर ओन टाइम। सो आप क्या करते हैं? कुत्तों कमीनों का सबक सिखाता हूँ। मैं इंदु के साथ इंडिया क्यों आ रहा हूँ पता है? तेरा पर्दाफाश करने के लिए। इंदु बहुत मासूम लड़की है, तेरी असलियत जाने बिना ही तुझसे प्यार करने लगी है। तेरी असलियत बताने के बाद भी वो मेरा भरोसा नहीं करेगी। इंदु मुझे नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरे जैसे चीटर के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। तेरा गेम तू खेल, मेरा गेम मैं खेलूंगा। किसी दिन तेरी असलियत का पता चलने के बाद तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी, तब तुझे पता चलेगा। नाटक करने के लिए तेरे शरीर का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा, तब तुझे पता चलेगा। गेम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कुत्ते को मारकर करोड़पति नहीं बनोगे। अरे भाई, ये सब क्या लफड़ा है? साइलेंट नहीं बैठ सकते क्या? देखो चाचा जी, आपका नाम हाइट कम जनार्दन है ना? हाँ है तो? अभी जितनी हाइट है उससे भी कम हो जाएगी। उधर घूमकर 30 दिन में मुझे कैसे खत्म करना है प्लान बनाओ। जीना और मरना अपने हाथों में नहीं होता है। मेरे हाथ में जो नहीं है उसके बारे में ना मैं कभी सोचता हूँ और ना ही किसी से डरता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें अभी नींद नहीं आएगी। मुंबई आने के बाद मुझे जगा देना। सर, लगता है मेम साहब आ गई हैं। सर एक मिनट सर प्लीज सर एक मिनट सुनिए सर मेरी बात सुनिए सर एक मिनट सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर मेरी बात सुनिए सर इज्जत की खातिर अपनी बेटी का कत्ल करेंगे क्या सर? हटाओ सर प्लीज।
कोई मरता है तो उसे जला देते हैं। इज्जत का सौदा करके तुमने घर को ही जला दिया है। पापा। चुप रहो तुम। मेरी बेटी कब की मर चुकी है? मेरी बेटी ने गलत किया ऐसा सुनने से पहले अगर मैं ये सुनता कि मेरी बेटी मर गई तो ज्यादा अच्छा था। चल आइए ना, मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ सात फेरे लेकर आई है। उस भरोसे को अंजाम देने के लिए, मौत के लिए भी एक कदम आगे रहूंगा। चलिए। कौन हो तुम? कौन से गांव से हो? कोई सगा संबंधी या अपने बाप का आता पता भी है? नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब बिना एड्रेस के अनाथ इंसान हो तुम, जो अपनी जिंदगी के बारे में नहीं जानता वो बाप बेटी के रिश्ते के बारे में क्या जाने। तुम्हारे जैसे चरित्रहीन को मारूंगा तो मेरे लिए बदनुमा दाग बन जाएगा। आप सबको आखिरी बार कह रहा हूं, आज से ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा दामाद नहीं। इतने दिन तक मेरे घर में दो कुत्ते रहते थे, अब दो और आकर भर्ती हो गए। बस आ गए तुम लोग। तुम ठीक हो ना? भाई साहब के सवालों का जवाब देते ही मैंने इन्हें पहचान लिया था। कैसी हो इंदु? ऐसा दामाद मिलना भाई साहब का नसीब है। बाबू आप टेंशन मत लीजिए, वो ऐसे ही कहते रहते हैं, हम सब आपके साथ हैं। मुझे छोड़कर। कौन है वो? आपको क्या तकलीफ है भाई? सारे लोगों का एक रास्ता, जेबी जैन का दूसरा रास्ता। हाँ, ये खुद को रजनीकांत समझता है। केशवराव जी, बड़े भैया सिर्फ आपकी बात मानते हैं, प्लीज उन्हें समझा दीजिए। उनका सारा गुस्सा उस लड़के पर नहीं है भाई, मेम साहब के कारण है। यू डोंट वरी, उनको मैं संभाल लूंगा। आप इन्हें अंदर ले जाइए। ठीक है। वो कौन है? मैं बताता हूँ, ये है मधु। पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन सारे बदन में संघ सेवा है, सुबह उठते ही समाज सेवा करने निकल जाता है। अपनी इंदु का फ्रेंड है। अच्छा, फ्रेंड है, उन्हें आउट हाउस में ले जाइए। फ्रेंड? फ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं। ए, लड़का बहुत अच्छा है, इंदु गोल्डन चांस है। चलो चलो चलो, मुझे तो फोन करके बताना चाहिए था ना तुझे। आप कुछ करेंगे? उस भरोसे आया था मैं आउट हाउस में और वो इन हाउस में। कोई भी हाउस हो तो क्या, तुम चिंता छोड़ो और जाकर आराम करो। तुम्हें उधर और उसे इधर नहीं किया तो मेरा नाम जेबी जैन नहीं। यस। इतने दिन कैसे बिताए थे इंदु? हाँ, मुझे तो अपनी शादी के दिन याद आ गए। बुआ, आज ये सुहागरात मत करो, एक आध महीने बाद करते हैं। एक महीने बाद? सुहागरात कब कराओगे? ऐसे कहोगे ये सोचा वो था। पापा का गुस्सा ठंडा होने तक रुकेंगे तो? वासा होने के बाद खुद ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा उनका। ये मजाक कर रही है, सब कुछ कभी का हो चुका होगा, लव मैरिज है ना? है ना, है ना? कसम से टच नहीं किया उन्होंने। हाँ तो क्या हुआ, आज करेगा ना? ए, चलो चलो हम जाकर बेडरूम को सजा देते हैं। यस, बात सुनिए। हाँ चलो जल्दी चलो, अच्छे से सजाना कमरे को। हाँ रुक जाओ, ये प्लेटे लेकर हिलते डुलते कहाँ जा रही हो? इंदु की सुहागरात के लिए। जी इंदु की सुहागरात? तुम्हारी सुहागरात तो नहीं ना, सभी अंदर जाओ। मुझे पसंद नहीं है। क्या कहा? यस, मुझे पसंद नहीं है, इन सब का इंतजार करने के लिए वो कोई पागल लोग नहीं है, और वैसे भी उनके पास इतना टाइम कहाँ है। तो आप ऐसे ही आए? तुम कहाँ से आए हो? मलेशिया से आया हूँ और मुझे ज्यादा गर्मी हो रही है। देखो, दिल में चाहने से गंजे के सर पे बाल उगते हैं, क्या बताओ? सही कहा। हाँ, आप लोग जाकर अपना काम कीजिए, जाइए जाइए। ऐसे क्यों शर्मा रही हो? हम दोनों के बीच बहुत गैप आया है ना जी। समझ गया, मलेशिया में 15 दिन था इसलिए ना। सब कुछ 15 मिनट में पूरा कर दूंगा, अब चलो जाओ चलो जाओ। मेरे पास टैबलेट्स भी हैं, इसे खा लूंगा तो सब खलास। मुझे क्या होगा? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये टैबलेट्स लो, स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स? मेरी बात सुनो, इसे दूध में मिलाकर दे दो, सुबह तक नहीं उठेगा, उठाने पर भी नहीं उठेगा। जाओ। ओके। जाओ।
सॉरी, ऐसा मैं क्यों कहने लग गई? मुझे भी दो टैबलेट्स लेनी चाहिए। भगवान भगवान, कुछ होना नहीं चाहिए। तुम ये सब उतार दो। क्यों? इससे शरीर हल्का लगेगा। पहले आप दूध पी लीजिए। क्या है ये? क्या? यहाँ क्या लगा है? दूध। बहुत गर्मी हो रही है इंदु, ये सारे गहने वहने तुम उतार नहीं सकती क्या? पहले दूध पी लीजिए ना। दूध दूध कहकर दिमाग क्यों खराब कर रही हो? नींद आ रही होगी ना आपको, सो जाइए। सुहागरात के दिन किसी को नींद आती है क्या? नींद नहीं, जानती नहीं है। आपको आएगी। इतना घबरा क्यों रही हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या है ये? हमने प्यार करके शादी की है, सच है, लेकिन उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हुई हूँ। थोड़ा टाइम चाहिए, वो एक महीने बाद। बताना चाहिए था ना? कहूंगी तो सुनेंगे कि नहीं, गुस्सा हो जाएंगे ये सोचकर। एक जार स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। मलेशिया 15 दिन ही है ना, 15 मिनट में पूरा कर दूंगा। ये टैबलेट वो टैबलेट, आराम से खराटे मारते हुए सो जाते हो। टैबलेट बदल गए यार, तुम्हारा सर बदल गया है। अगर आदमी बेचैन क्यों है? सो जाइए ना। सो जाऊं? कैसे सो जाऊं? पूरे बदन में आग भड़की हुई है। मतलब चार नींद की टैबलेट? वही वही मुझे टेंशन दे रही है। वो नींद की गोलियां नहीं थी, वियाग्रा। से होटो का दे दे मुझको चुमा। जाने जा जाने जा प्यार का दे दे चुमा, भीगे से होटो का दे दे मुझको चुमा। इन लबों का नशा मुझको पिला, तुझको जल्दी है क्या? दीवाना मस्ताना दिल मेरा मानेना। Want that you, that you, that you, that you. Want that you, that you, that you, that you. Thank you.
समझ क्या खुद को तू, जाने ना मुझको तू, छोड़ दे जिदिए तू, एक बार मेरी हो जा वरना फिर पछताएगी। I won't touch you, touch you, touch you, touch you, won't touch you, touch you, touch you, touch you. Don't touch me, touch me, touch me, touch me. Don't touch me, touch me, touch me, touch me. चुम्मा इन लबों का नशा मुझको पिला प्यार की इतनी तुझको जल्दी है क्या दीवाना मस्ताना ये दिल मेरा माने ना I won't touch you, touch you, touch you, touch you, won't touch you, touch you, touch you, touch you. Please touch me, touch me, touch me, touch me, please touch me. दस बजे कहा था, 12 बज चुके हैं। जानबूझकर देरी कर रहा होगा। क्या कर सकते हैं सर, भिखारी को अलादीन का चिराग मिल गया है, अपना नसीब खराब है, वो मिनिस्टर बन गया है, जरूरत अपनी है, इतना तो सहना पड़ेगा। ओह थैंक यू नमस्ते नमस्ते। आइए सर। माला पहनाना आपके सेठ जी को अच्छा नहीं लगता क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फूलों की माला लाश पर भी डाली जाती है। ये क्या, एक भी जयजयकार सुनाई नहीं दे रही, क्या बात है? मिस्टर मुन्ना भाई, मिस्टर मुन्ना भाई, ये रिबन काट दीजिए। मिस्टर मुन्ना भाई, मिस्टर मुन्ना भाई, मिस्टर मुन्ना भाई, मिस्टर मुन्ना भाई, सर, मिस्टर मुन्ना भाई, मिस्टर मुन्ना भाई, रिबन काटे बिना ही क्यों आ गए सर? आइए सर। सुनो, पहले मैं फैक्ट्री को देखूंगा, उसके बाद रिबन काटूंगा। अरे साई कृष्णा जी आइए। सर झुका के आने में तकलीफ हो रही है क्या? एक बार सर झुकाने के बाद आप कितनी बार भी सर झुका सकते हैं। आइए। बहुत अच्छा भाई, नई फैक्ट्री, घर में नया दामाद, स्टेट में टॉप पोजीशन। बाप रे, बेटी की शादी से तेरे साहब का नाम मशहूर होने लगा है। तुम्हारे साहब का नसीब खुल गया है भाई, दामाद का नाम शोहरत बहुत नामचीन है ना? अरे सभी बता रहे, वंश गोत्र लगता है बहुत बड़ा है, फैमिली हिस्ट्री में नया इतिहास लिख सकते हैं ना। इन्होंने स्टेटस भी अच्छा मेंटेन किया है। मेरे बेटे के पास सब कुछ था, फिर भी वो अनाथ इतना पसंद आ गया। सर 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 रुकिए सर, मेरी ये क्या है, मिनिस्टर बनने के बाद क्या कोई किसी की इज्जत करना भूल जाता है? कैसी इज्जत, बेटी की अनाथ से शादी होने के बाद उसकी इज्जत चली गई है। एक बार उसने कहा था, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, कचरा खाने वाला शेर कुत्ते से भी बदतर होता है। कहो, जाकर कहो। दरवाजा खोल दे।
कौन है रे ये? डैडी, साई कृष्ण का दामाद यही है डैडी। तो वो अनाथ लड़का यही है क्या? मांडोली करने आया है क्या? तेरा ससुर करोड़पति है तो मैं कैबिनेट का मिनिस्टर हूं, उसकी वाट लगा दूंगा, कह देना। अगर मैं कोई प्लान करता हूं तो बहुत सोच समझ के करता हूं। इज्जत से खेलने का प्लान अलग है, व्यापार से खेलने का प्लान अलग है, संसार से खेलना है तो अलग प्लान है। अगर किसी को मारना है तो उसे बहुत मारता हूं, इतना मारता हूं, इतना मारता हूं कि वो घर बार छोड़कर शहर छोड़ देता है। उसकी घर की औरतें बाजार में बिकने लगती हैं, इसलिए सोच सकता मैं आगे पीछे नहीं सोचता हूं, जो करना होता है फटाफट कर डालता हूं। बाप ने कहकर उसके बाप को याद किया है तेरे बाप ने, गधे समझ गया क्या? इसे हॉस्पिटल में लेके जा, जिंदा बच के लौटा तो इसकी गलतियों की याद दिलाना, अक्कल आई तो चुप रहने के लिए कहना, नहीं समझा तो मुझे एक फोन करने के लिए कहना। भाई, 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 भाई। तुझे एक बार मलेशिया में जिंदा छोड़ दिया था, फिर कभी भी मेरे घर में आकर मेरे अपनों को टच किया ना तो इसी घर में तुझे और तेरे बाप को जिंदा दफन कर दूंगा। डैडी उठिए, चलिए संभल कर। दामाद का नाम शोहरत बहुत नामचीन है ना, अरे सभी बता रहे, वंश गोत्र लगता है बहुत बड़ा है, फैमिली हिस्ट्री में नया इतिहास लिख सकते हैं। थोड़ी और सब्जी लो, थोड़ी देना भैया, खाइए ना। चलो बैठ के खाओ। हाँ। भैया सांबार चाहिए। हाँ बेटा थोड़ा रुको, देख रहे हो ना इसे दे रहा हूँ, तुम्हें भी देता हूँ। कोई बात नहीं। कैसे पता होगा, कभी इतने सारे लोगों के साथ खाना खाया हो तब तो, छी अनाथ कहीं का। तुम्हारा नसीब तुम्हें मेरे घर तक ले आया, मेरी बदनसीबी कि तुम्हें दामाद ना माने पर भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया, ये सब मेरे कर्म है। अरे सभी लोग खाना खाए बिना क्यों खड़े हुए? भाई साहब ने अपने घर जमाई को इतना अनाप शनाप कह दिया, ऐसे में हम आप खाना क्या खाएंगे? अच्छी जी, आप गलत मत समझो, फैक्ट्री में क्या हुआ आपको पता नहीं, उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहा, भूल जाइए आप लोग। उदास क्यों हिंदू, क्या बात है? खाने के बाद पापा ने उनकी बहुत बेइज्जती की मधु, वो मुझसे प्यार करते इसलिए ये सारा अपमान सह रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनकी बलि दे रही हूँ, ऐसा लगता है मैं पाप कर रही हूँ। एक बार औरत हमदर्दी जताने लगी तो मत के साथ सोने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगर ये बात सच हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? आदित्य तुम्हें मरना होगा। बस पापा बस, मुझे मत मारो। दिमाग खराब है, जान से मारोगे क्या? इतने दिन जेल में पड़े थे, क्या क्या करके मैं बाहर लेकर आया हूँ तुम्हें, इस घर का दामाद बनाने के लिए कैसे कैसे मैनेज किया है मैंने, अब इसे मारकर वापस जेल जाओगे तो मेरे प्लान का क्या होगा? पापा ज्यादा देर हो जाएगी तो वो उसके साथ सो भी सकती है। इंदु को तुम्हें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनाना है, दामाद बनोगे तो रोज एक लड़की खरीदोगे। हाँ हाँ, वो मरेगा जब ना मैं इस घर का दामाद बनूंगा। तुमने ही तो कहा था कि 29 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा, 29 दिन हो चुके हैं, एक दिन बचा है, थोड़ा तो सब्र करो। इंदु और आप पागलों की तरह बात कर रहे हैं पापा, कुंडली में जैसा लिखा वैसा होना जरूरी है क्या? अरे मेरे बेटे, मौत तो भगवान लिखता है, लेकिन भगवान नीचे आकर उसकी जान नहीं लेता, जहर पिलाकर नहीं मारता। प्लान हम करेंगे और मौत वो देगा। लेकिन पापा क्या है वो प्लान? बटला बहुत चालाक होता है, मैं बटला हूँ,
मुझ पर विश्वास करो। अरे बाप रे, ये लीजिए सर। सर सर, मैं तो बस गाना गाते हुए आ रही थी और आपको धक्का लग गया। मैं ठीक हूँ। आपकी फ्रेंड इंदु की फैमिली जॉली है ना? क्या जॉली सर, हाथ में फूल लगाकर हाथ में दूध लेकर पति के रूम में जाने के लिए थोड़ी शादी की है उसने। फिर क्या करने के लिए शादी किया बहना? उसकी कुंडली में लिखा था कि पहला पति एक महीने में मर जाएगा, इसीलिए इंदु ने अपनी पहली शादी के लिए इस इंसान को चुना है। शादी के एक महीने बाद ही वो मर जाएगा। सर कॉफी। कॉफी तुम क्यों लाए हो? आपसे कुछ बात करनी। क्या बात करनी है? दामाद के बारे में किसी ने कुछ कह दिया और डर से आपने फैक्ट्री माना छोड़ दिया तो सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। मैं नहीं आऊंगा, लोगों के सामने सर उठाकर नहीं चल सकता मैं। बिना सेठ का बिजनेस विधवा औरत की तरह होता है, सब बर्बाद हो जाएगा। आप ये जिम्मेदारी दामाद जी को सौंप दीजिए, आज नहीं तो कल उन्हें ही तो संभालना है। छे छे, सारी जायदाद बर्बाद हो कोई बात नहीं, मेरे जिंदा होते हुए ऐसा नहीं करूंगा। करना पड़ेगा। सॉरी, सेक्रेटरी नहीं बोल रहा हूँ, तेरे बचपन का दोस्त तुझसे बोल रहा है। मैं तेरी कुर्सी पर तेरे दामाद को बिठाऊंगा, उस पर उंगली उठाने वालों के मुंह से शाबाशी निकलेगी, तुम सर उठाकर चलोगे, देख लेना एक दिन। ऐसा मत कहो। और कुछ मत कहो, ये समस्या तेरी ही नहीं मेरी भी है। वेलकम। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये सब आपके ससुर जी की चाहत है साहब। सुबह मुझे कमरे में बुलाकर बोले, अरे केशव जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। बिना कारण दामाद जी को भला बुरा कह दिया, अब वो बेटा भी है और दामाद भी है, सारी जिम्मेदारियाँ उसी को दे दो। और रोते हुए कहा कि ये मेरा काम कर दो। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी इंदु को देंगे तो अच्छा होगा। आओ बताता हूँ, ससुर जी बेटी की शादी तो नहीं देख सके, कम से कम दामाद को जिम्मेदारी निभाते हुए तो देख सकेंगे। बैठो बैठो। आहा, कितने अच्छे लग रहे हो राजा की तरह। आज से जो भी करो आपकी मर्जी, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन? कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। साहब आप चेयरमैन जी के दामाद हैं ना? शादी हो गई है लेकिन अभी तक सुहागरात नहीं हुई। ज्यादा तीखा खाती है ना साहब, पूरी तरह छोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाएगी, इसलिए। हम है ना साहब, वो क्या है साहब, वो काम हमें संभाल दीजिए। गुस्सा मत होइए साहब, गुस्सा मत होइए। आप पगार दे रहे हैं, हमसे काम करवा लीजिए, आपके गुलाम बनकर हम परफेक्ट काम करेंगे। बेटी नहीं तो बेटा पैदा होगा, सारा नाम तो साहब आप ही कहोगे ना। क्या हो गया भाई, किसी ने मारा हुआ है? कुछ नहीं यार, वो अपने सेठ जी के दामाद है ना, वो यहाँ नए नए आए हैं, आज से हम लोगों का सहारा बनकर सेठ जी की तरह आप भी बोनस देंगे। क्या पूछा तो हमें इतनी सी बात के लिए मारने लगा। सर गजब हो गया सर, मिलने के लिए आए हुए अपने वर्कर्स को दामाद जी जान से मार रहे हैं, उसमें से दो तीन मरेंगे। क्या यहाँ आके आपको रोकना होगा, गुस्से में आकर आप अपने दामाद को मत मार देना, क्योंकि हमें वर्कर से ज्यादा दामाद जी की जरूरत है ना सर, है ना सर, प्लीज। अब क्या होगा? गन मैटर पूरा कर दिया हूँ, आएगा और दो गोलियों से काम पूरा। नौकरों के खातिर अपने दामाद को वो जान से नहीं मार सकता। उसके बारे में तुम नहीं जानते हो बेटा, उसके पास काम करने वालों के खातिर कुछ भी कर सकता है। राइट है, लेकिन कहानी में एक और मौत होनी चाहिए। कैसे? उसके पास काम करने वालों से अच्छा उसके बाजू में रहने वाला हो तो बेटर है ना। वो कौन है? सॉरी पापा। ऐसी बात क्यों की? क्यों की बता? मत मारो सर, मत मारो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मुझे मत मारो सर, सब कुछ उसने कहा सर, सर उसने कहा सच है सर। केशव राजू, केशव राजू,
हेलो हेलो इंदु, मधु मधु इंदु प्लीज इंदु तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा पति मुझे मार डालेगा, तुम जल्दी आओ इंदु। मधु मधु कहाँ हो तुम? हेलो इंदु, मधु इंदु, मधु ये मुझे मार डालेगा इंदु, रुक इधर, रुक इधर, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इंदु? मैं पता नहीं इसने क्या किया है, हट जा इंदु, क्या बात है, मुझे बचा लो, देखो मुझे कुछ नहीं पता, जो मैं गलत नहीं किया है नहीं करूंगा, इस रुको इंदु, इंदु क्या बात है, मुझे बचा लो, इंदु इंदु इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसकी कुंडली में मौत लिखी थी, चलो चलते हैं। मैंने किया है, हाथ से इन्हें ढकेल दिया, वो मर जाएगा ये तो पता ही था ना, फिर हम शादी करें हाँ? किसी की मौत से मिलने वाला सुख मुझे नहीं चाहिए, इन्हें जीना पड़ेगा, मेरी बात सुनो, इन्हें जीना पड़ेगा, छोड़ो। शादी नाम के तो शब्द के लिए इतना सेंटीमेंट, ये औरत साथ कभी नहीं सुधरेगी। डॉक्टर साहब उनकी तबीयत कैसी है? केशव राजू की तबीयत ठीक हाँ, मगर उनकी आवाज जाने का डर है। और दामाद जी की कंडीशन? उनकी पोजीशन बहुत क्रिटिकल है। कितनी देर में चला जाएगा? बताइए डॉक्टर जी, उसकी मौत की खबर सुने बिना इनका दिल ठंडा नहीं होगा। डॉक्टर्स बेचारे दीवाने हैं, पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। एक काम कीजिए, आप अपने हाथों से उसका गला दबाकर जान से मार डालिए सर। सर, एक साल पहले वो आपका दामाद होता तो बड़ा ही भाग्यवान होता, अब उसकी मौत देखकर बहुत खुशी महसूस कर रहे ना आप? आप क्या बात कर रहे हैं, कौन है वो? मैं आपको याद नहीं हूँ क्या सर? उसे दामाद बनाना है, आपने मुझे हजारों बार फोन किया था। मतलब लॉयर विश्वनाथ? जी हाँ, मैं ही हूँ। उसके परिवार के बारे में आप पूरी तरह जानेंगे तो? ऐसी बात नहीं करेंगे सर, राजस्थान के देवनगरी गांव में राज प्रताप सिंह परिवार को उस गांव में नहीं पहचानने वाला ऐसा कोई भी नहीं होगा। उनके 80वें जन्मदिन के खुशी पर उनका पूरा परिवार उनके घर आया था। चचे, ये क्या दादाजी छोटे बच्चों की तरह? आदि, तुम्हें देखकर मुझे मेरा बेटा याद आ रहा है। तेरे माँ बाप को छीनकर भगवान ने बहुत अन्याय किया है। आप लोगों को मेरे पास लाकर न्याय किया है दादाजी, वो कमी मुझे कभी महसूस नहीं होती है। आदि, तुझे अपने माँ बाप की तरह आधी आयु वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए पूजा करवा के ये कड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, किसी भी हालत में इसे मत निकालना। ये लो। अरे आदित्य, दादा पोते की बातें खत्म नहीं हुई, फ्लाइट का टाइम हो गया भाई। क्यों दादाजी, अब क्या हो गया? मेरे ये चार दिन त्योहार की तरह गुजर गए बेटा, सबको एक साथ जाते हुए देखकर मेरे शरीर को कोई जबरदस्ती ले जा रहा ऐसा मुझे लग रहा है, फिर तुम लोगों को कब देख पाऊंगा पता नहीं। ये क्या दादाजी, कभी कभी हम लोग आकर आपसे मिलते रहेंगे ना? वो बात नहीं है, मुझसे लेकर मेरी आखिरी पोती तक सारे परिवार को एक साथ कब देख पाऊंगा पता नहीं। इतना ही ना, सबका ग्रुप फोटो निकलवा कर लेमिनेशन करवा कर सामने हॉल में टंगवा दूंगा, देखते रहिएगा दादाजी। वो सब जा रहे हैं बेटा, अब फोटो के लिए थोड़ी रुकेंगे। चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। अरे ये लो बेटा फ्लाइट का टिकट। टिकट की बात बाद में करेंगे, पहले सब लोग मेरे साथ चलो। कहाँ बेटा? अरे चाची मेरे साथ आइए, आइए सब लोग मेरे साथ चलिए। अरे आइए ना, चलो चुपचाप चलो। मेरा है वो, मेरा है। आओ सब लोग, कहाँ चलो मेरे साथ। कहाँ पर? अरे फ्लाइट मिस हो जाएगी यार, फ्लाइट मिस होगी तो दूसरी पकड़ा दूंगा। आइए मेरे साथ, कह रहा है ना, चलो इसे आइए ना। ठीक है चल चल। लगेज कब कहाँ गया भाई? अरे कहाँ लेकर जा रहा? लगेज बताता हूँ, आइए मेरे साथ। मुझे भी नहीं चलो चलो चलो। अच्छा आ जाओ,
ठीक है ना, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक साथ तो मजा आ गया। एक फ्रेम में सेट नहीं होगी मेरी जंबो फैमिली। जीजा जी सब लोग आ गए हैं ना? आ गए हैं, सिर्फ आदित्य बचा है। आदित्य वो टाइमर सेट करके तुम भी जल्दी आ जाओ। तुम मेरे साथ बैठो ना। नहीं आदित्य तुम मेरी बाजू में बैठो, आओ ना आदित्य, तुम मेरे साथ यहाँ पर आकर बैठो। क्या कर रहे हो, चिल्लाओ नहीं, चलो साथ हो जाओ। अरे आदित्य मेरे ही बाजू में बैठोगे? अच्छी बात है भाई, मैं सबके बाजू में बैठूंगा, शांति रखो। बाबू मेरी बात सुनो बाबू, बाबू ये गलत है, ये कैसा पागलपन है बाबू? मेरे अपनों के बिना ये जिंदगी किस काम की? तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकता हूँ, इंसान जब अकेला होता है तो वो मौत की तरफ ही जाता है बाबू, लेकिन ये वैराग्य शाश्वत नहीं है। भगवान अगर किसी इंसान से रिश्ता तोड़वाता है तो दूसरे इंसान से रिश्ता जुड़वा भी देता है। अभी तुम्हारा दिल अकेलापन महसूस कर रहा है, लेकिन कोई आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिर तुम्हारी ये दुख भरी जिंदगी में जीने की तमन्ना जाग जाएगी। यही है वो आदित्य जिसके साथ आप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे। आदित्य को अनाथ बनाने में एक तरह से आप भी जिम्मेदार हैं। मौत के खातिर इंतजार करने वाले को प्यार सिखाकर आपकी लड़की ने जीने की चाह दिखाई। इन दोनों की शादी हो जाएगी तो इन दोनों का वंश आगे बढ़ जाएगा, ऐसा मैंने भी सोचा था, लेकिन ये शादी ही आदित्य के जान की बलि बन जाएगी ऐसा नहीं सोचा था। वैसे भी आप, आपकी बेटी और मैं, सभी लोग किसी न किसी तरह उसकी जिंदगी के साथ खेल खेल चुके हैं। जाने दीजिए सर क्या बचा है। नो, उसे जीना है। मेरे पसंद का लड़का मेरा दामाद है, उसका अपमान करके मैंने फिर से पाप कर दिया, उसे जीना होगा, उसे जीना होगा। इतने सारे स्टाफ होते हुए क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? जाओ ढूंढो, गो। डॉक्टर वो कहां गया? पता नहीं सर, वो अभी तक यही था, उसकी पोजीशन क्रिटिकल है ये जानते हुए भी कहां गया पता नहीं। कहां गया होगा? उसके अपनों को मरे हुए आज पूरे एक साल हो गए हैं, मेरा अंदाजा सच है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करने गया होगा। मुन्ना भाई वो हॉस्पिटल में नहीं है, उसे उसे पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मेरी बात को तुम भूलना नहीं। पहले तुम उसे पकड़ कर दिखा। जा रही हो? वो दिखाई नहीं दे रहे मधु। कहाँ गया होगा? उनके गांव गए होंगे, वहां जाकर उन्हें बचाना होगा। बाबूजी इस समय पिंडदान करने से ज्यादा जरूरी आपका जिंदा रहना है। ये भी नहीं कर सका तो इतने दिन मेरा जीना बेकार जाएगा। पंडित जी होने दीजिए।
स्वामी जी, उस लड़की की शादी होकर आज पूरा एक महीना हो गया है। कुंडली के हिसाब से आज उसकी मृत्यु होगी क्या? उस लड़की की कुंडली में वैधव्य है, लड़के के जीवन में वैराग्य है। वास्तव में मानसिक रूप से वो तो कभी का मर चुका है। स्वामी, एक इंसान का दो बार मरना नामुमकिन है। लड़की का उससे रिश्ता बना रहे इसलिए ऐसा किया है। वो जिंदा रहना चाहता है तो उसकी इच्छा ही उसे बचा सकती है। मेरा कथन सत्य है, उसका नया जीवन अब शुरू होगा। इंदु, नो, मधु छोड़ दो मुझे। इंदु, मधु, मुझे छोड़ कर प्लीज मुझे जाने दो। इंदु, मधु प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो उनके पास। आदित्य, आदित्य अगर बच गया, नहीं मधु, तो तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओगी? नहीं मधु प्लीज, वो मर जाएंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मधु प्लीज मधु, मुझे जाने दो उनके पास। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? हाँ इंदु, सबके सामने शर्मिंदा हुआ, फालतू लोगों की सेवा की मैंने। इसके अंदर अभी भी थोड़ी जान बाकी है, खत्म करके यही दफना दो कमीने को। भगवान, तूने इसी जगह पर मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया था, फिर इसी जगह पर मेरी पत्नी को मुझसे जुदा करने की कोशिश मत करना, हार जाओगे। खत्म कर दो इसे। Yeah!
तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी, तब तुझे पता चलेगा। नाटक करने के लिए तेरे शरीर का कोई भी आपकी जोड़ी देखकर मेरा पेट भर गया। मैं परोसता हूँ, आप खाना खाइए। बेचारे, अपने केशवराव जी को देखकर मुझे दुख हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मुंह में बातें नहीं, पेट में खाना नहीं, सब कुछ लिक्विड डाइट पर ही है। असल में उस मधु का इनसे क्या लिंक है कुछ भी पता नहीं। छुरा क्यों मारा ये भी समझ में नहीं आया। उसे पैदा करने वाला कीड़े खाकर मर जाए, लकवा मारकर बर्बाद हो जाए, है ना केशव भैया? चाचा जी, हाँ। ये बड़े दरिया दिल इंसान है। हाँ जी। अपने ऊपर हमला करने वाले को इन्होंने कभी का माफ कर दिया। स्वार्थ क्या होता है उसे पता नहीं। बेचारे ने हमारी बहुत सेवा की है। पैसा या किसी भी चीज पर नियत खराब नहीं हुई इसकी। असल में विश्वास करना है तो इसी पर करना चाहिए। अरे ये आंखें देखिए सर, हम खा रहे हैं लेकिन कोई दर्द नहीं है। हम सभी एक साथ मिलकर खा रहे हैं, उसकी खुशी इनकी आंखों में देखिए सर, देखिए। चाचा जी, लगता है उनका दर्द पूरी तरह आपकी समझ में आ गया है। आज से उनका अच्छा बुरा सब आपको ही संभालना होगा। टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम इनका? अरे बाप रे।